Hello, welcome to Arvind Singh Academy. Myself Arvind Kumar Singh, and here I am before you to discuss integration. This is a video lecture number 14. I hope you have already watched part 1 to part 13 before watching part 14. And let me discuss today about some special type of integration. What are those types? Try to understand. This is the type 8, I can say. Type 8. Type 9. What type of question we have to discuss here? So in this type, the if integration is dx upon a plus minus b sin x, dx upon a plus minus b cos x, or dx upon a plus minus b sin x plus minus c cos x, like this, इस तरह का कोई फंक्शन हो तो हमें कैसे करना है? a sin x plus minus b cos x plus minus c कुछ भी हो, ऐसा कुछ. तो ये इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए क्या करना चाहिए? What to do? We have to find a special situation. What is that? We have to put here sin x is equal to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Similarly, cos x is equal to, we can put 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. And then thereafter we will put here, put sin x tan x by 2 is equal to t. Tan x by 2 is equal to t. Then what will happen? Sec square x by 2 into 1 by 2 dx is equal to dt. Kyun? 1 by 2 kyun? Tan ka derivative sec square x by 2 hota hai. Aur x by 2 ka karenge to fir kya milega? 1 by 2. Isse kya hoga ke aap likh sakenge yahan pe कि sec square x by 2 को क्या लिख सकते हैं? sec square x by 2 dx अगर हो तो उसको 2 dt लिख सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हम dx को लिख सकते हैं 2 dt, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और sec square x को 1 plus tan square x लिख सकते हैं, और 1 plus tan square x by 2 का मतलब 1 plus t square लिख सकते हैं. तो dx को आप सीधे सीधे कहीं पर भी 2 dt upon 1 plus t square लिख सकते हैं. और मोर ओवर sin x को भी क्या लिख सकते हैं? tan x by 2 को चूंकि t पुट कर लिया है तो 2t upon 1 plus t square पुट कर सकते हैं. cos x को क्या पुट कर सकते हैं? 1 minus t square upon 1 plus t square पुट कर सकते हैं. यानी ये सब चीज रिप्लेस हो जाएगा डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर इस हिसाब से आ जाएगा. कोई कांस्टेंट होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? तो 1 प्लस टी स्क्वायर. आइए अब इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, है ना. सो कुछ क्वेश्चंस में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखने की कोशिश करते हैं. और पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन है I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 4 प्लस साइन एक्स डी एक्स. अब इसको कैसे करोगे? तो इस क्वेश्चन को साइन एक्स को क्या पुट करना था हमें? डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो साइन एक्स के बदले क्या, 2 टैन एक्स बाई 2, और इसके बदले ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन 4 प्लस 2 टैन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2. ठीक है, अब ये 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऊपर में चला जाएगा और टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं. सीधे लिख देता हूं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स नीचे में हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टैन एक्स बाई 2. क्यों?
हो गया ना। अब टेन एक्स बाई टू को टी पुट करना है, तो टेन एक्स बाई टू को टी पुट करेंगे, पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू वन बाई टू डी टी। सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। तो आप इसे लिख सकते हैं इस इंटीग्रेशन को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले टू डी टी अपॉन फोर प्लस फोर टी स्क्वायर, बिकॉज टेन एक्स बाई टू को टी पुट किया है तो ये लिख देंगे प्लस टू टी। अब टू से ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, तो ये हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू, ये आ जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जो कि आप पहले से जानते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन बाई टू टी प्लस वन, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, डी टी अपॉन टी स्क्वायर टी प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, बिकॉज टी के कोफिशियंट के हाफ के स्क्वायर प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, मतलब वन बाई फोर का स्क्वायर हमने माइनस करना है। वन माइनस वन बाई फोर का स्क्वायर यानी वन माइनस वन बाई सिक्सटीन, दो की फिफ्टीन बाई सिक्सटीन हो जाएगा, जिसको अंडर रूट फिफ्टीन बाई फोर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन आप घर में भी कर सकते हैं बैठे बैठे कि ये ऐसे होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और फॉर्मूला लगेगा तो क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा इसका देयर फोर आई इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाई ए, यानी फोर बाई रूट फिफ्टीन टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी टी प्लस वन बाई फोर अपॉन रूट फिफ्टीन बाई फोर, ये हो जाएगा प्लस सी। इसका मतलब हो गया कि टू बाई रूट फिफ्टीन टेन इनवर्स फोर टी प्लस वन अपॉन रूट फिफ्टीन, और टी की वैल्यू क्या है, टी क्या है जी, टेन एक्स बाई टू। इसलिए आप इसे चाहें तो फोर टेन एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं सीधे, और प्लस सी वेयर टी इज इक्वल टू टी की जगह पर रख देंगे टेन एक्स बाई टू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इसको जल्दी से करना है किसी को, बहुत ही जल्दी से करना है, तो क्या करेगा, वो सीधे लिख देगा ये जो हमारा क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो था वो था क्या, dx अपॉन 4 प्लस साइन एक्स। जल्दी से करने के लिए क्या करेंगे कि ये लिख देंगे dx अपॉन 4 प्लस साइन एक्स था, इसको आप लिख दोगे 2 dt अपॉन 4 इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, बताया कॉन्स्टेंट को टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ 2 dt। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, 2 बाहर ऊपर से 2 और नीचे से 2 कॉमन लेके कट जाएगा, और ये क्वेश्चन हो जाएगा डी टी अपॉन क्या, ये हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। अब इसके हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस करके आगे हमने पिछले में किया ही था, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन जब ऐसा होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ। तो इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 2 डी टी लिख दो, साइन एक्स के बदले 2 टी लिख दो, कॉस एक्स के बदले 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना है, वो तो पता ही है आपको, और 1 के बदले 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी कॉन्स्टेंट हो उसको 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें से देखिए, ऊपर में है 2 डी टी, नीचे में है यहाँ से 2 टी, यहाँ से माइनस 2 प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, ये सब कैलकुलेट करके आ जाएगा ऊपर में 2 डी टी, नीचे में क्या आ जाएगा 2 टी स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर 3 टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 टी और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 रह जाएगा। फिर अब परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिसमें 3 कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 टी माइनस 1 बाई 3। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 बाई 3 डी टी अपॉन टी प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स के टी के कोफिशियंट के हाफ का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/9, सो दैट विल कम अप 1 2/3 dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। नीचे लिख देता हूं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। इसको लिख सकते हैं 2/3 dt अपॉन t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 3 माइनस 1 4 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा क्या, 1/2 a 2 × 2/3, 2/3 से ये 2/3 कट जाएगा, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/3 प्लस 2/3 प्लस सी। तो आप ये देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा जहां पे टी क्या है, टी है टैन एक्स बाई टू, टी है टैन एक्स बाई टू, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट लिखने से आपको फंक्शन का आइडिया लग जाएगा और आप ऑप्शन में से आंसर लिख पाओगे, और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी आप नहीं अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ही वही करना होगा, साइन एक्स के जगह पर 2 tan x/2 और cos अपॉन 1 plus tan² x/2 लिखना पड़ेगा, cos x के जगह पर कहीं भी हो तो इसको 1 minus tan² x/2 अपॉन 1 plus tan² x/2 लिखना ही पड़ेगा, और फिर tan x/2 को t पुट करना होगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि आप ये क्या कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा हो, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। ये सिमिलर फंक्शन है, सिमिलर फंक्शन है, इसलिए क्या करना होता है कि इसको पहले हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या तरीका है, इसको लिख देंगे cos x प्लस sin x प्लस sin x माइनस cos x, या cos x माइनस sin x लिख देता हूं, cos x माइनस sin x, sin x प्लस माइनस हो गया, cos x प्लस cos x 2 cos x, सो 1/2 से डिवाइड कर दिया, नीचे cos x प्लस sin x हो गया dx। अब इसको आप लिख सकते हो 1/2 cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x प्लस यहां पे dx, और 1/2 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x dx। ये सेम चीज है, आप देखिए ये है दोनों सेम, तो कट जाएगा, और यहाँ नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो log ऑफ नीचे वाला, यहाँ कट गया तो क्या बच गया, 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और यहाँ 1/2 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ नीचे वाला आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का, इस पैटर्न का होगा तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको इस तरह से करना होगा, ये थोड़ा सा याद रखें, तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, इसको 2 स्टार दे देते हैं, आप इसको दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और ये सारी चीजें जो हमने बताई है उसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा ही अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, लाइक 2x² + 3x + 1 अपॉन नीचे से हो जाए x² - x + 4 dx, तो क्या करोगे, तो यहाँ भी पहले डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करके इस फंक्शन को, यानी ये टाइप जो है वो है ये वाली टाइप कि आपको फंक्शन, अगर px का फंक्शन नीचे qx का फंक्शन है, इंटीग्रेशन dx है, तो आप इसको लिखें पहले कोसेंट फंक्शन, कोसेंट फंक्शन प्लस रिमाइंडर फंक्शन डिवाइडेड बाय qx, और इस पैटर्न में इसको अरेंज करें फिर इंटीग्रेट करें। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, डिवाइड करने के लिए 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कोएफिशिएंट x² है, तो आप डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए
जैसे ये देखिए 2x² + 3x + 1 है, बच्चों की तरह डिवाइड कर लीजिए, x² - x + 4, 2 से मल्टी करोगे तो 2x² - 2x + 8 हो जाएगा, और माइनस करने पे ये माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x - 7, यानी कोसेंट फंक्शन आ गया 2, उसके बाद यहाँ क्या आ गया 5x - 7, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर x² - x + 4। अब ये क्या हो गया, ये दो टाइप जो हमने पहले पढ़े थे उसके हिसाब से हो गया, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया और यहाँ पे हो गया 5x - 7 अपॉन x² - x + 4 dx। इसको अब नीचे वाले को ऊपर अरेंज करना है, तो अभी हमने सीखा था कि इसको कैसे करते थे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, इसमें से आप 5 कॉमन ले लें तो x - 7/5 हो जाएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसको 2x - 1 होना चाहिए, सो हम 2x - 1 लाने के लिए इसको लिख सकते हैं 2x + 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2x और ये मिल जाएगा -14/5 और -1 + 1 - 14/5, फिर हमने कर दिया -1 + 1 भी कर दिया साथ के साथ, नीचे हो गया ये x² - x + 4 dx, राइट। तो क्या मिल जाएगा 2x + 5/2 और ये एक इंटीग्रेशन आ गया 2x - 1 होल डिवाइडेड बाय x² - x/4 dx, और यहां से मिलेगा 5 5 कट जाएगा -7 dx अपॉन x² - x + 4। ये नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो लॉग ऑफ नीचे वाला हो जाएगा, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतने सारे अब हमने कर दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर बना करके, होपफुली आप इसको भी कर पाएंगे, और अभी ये काम आपके लिए छोड़ देता हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इस टाइप में इतना ही, अगले क्वेश्चन में अगले टाइप में फिर हम बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, और आपको बहुत सारा आशीर्वाद सुने, और आप भी इसी तरह से वीडियो देखते रहें और मजे करते रहें, अच्छा करें, भगवान करे कि आप बहुत अच्छा करें, बहुत सुंदर करें। थैंक यू।